नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। चौदह हजार फीट की ऊंचाई पर हिमस्खलन, उत्तरकाशी एवलांच, अब तक कुल 14 लोगों को निकाला गया, चार की मौत, 16 पर्वतारोही की तलाश अब भी जारी। गाजियाबाद गैस सिलेंडर फटने से मकान ढहा, दो की मौत, 5 लोग मलबे से निकाले गए। महबूबा मुफ्ती का दावा, घर में नजरबंद किया गया, पुलिस के सफाई, प्रतिबंध का दावा झूठा। यूपी के 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, राहत कार्य जारी। मंदिर पानी और शमशान सबके लिए एक हो, जी हाँ ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक पर चार कार और एक एम्बुलेंस एक साथ टकराई, 5 की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां के दो इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर दिखाएंगे उद्धव ठाकरे, तो वहीं बीकेसी ग्राउंड में शिंदे का होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे हिमाचल प्रदेश, कुल्लू के दशहरा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और देश भर में मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व, महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली, नागपुर में विजयदशमी कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा।